अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो क्लास 1 से 8 के बीच में पढ़ रहा है तो हमारी आज की ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। आपको कोरोना का वो खौफनाक दौर याद होगा जब पूरे देश में लॉकडाउन था, आप घरों में कैद थे और आपके बच्चों का स्कूल मोबाइल और लैपटॉप पर आ गया था। उस कोरोना के दौर में सब लोग काफी परेशान थे, हर किसी की अपनी परेशानियां थी, लेकिन उस बीच पेरेंट्स ज्यादा परेशान थे, चिंता थी बच्चों के भविष्य की। कोरोना का वो खौफनाक दौर तो लगभग खत्म हो गया, लेकिन उस दौर का आपके बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ा है, अब जाकर बीते 2 साल में पहली बार ये बात सामने आई है। ASER यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, जिसे आम बोलचाल में लोग असर भी कहते हैं, एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बच्चों के एजुकेशन को लेकर हर बार रिलीज की जाती है। ये रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन की ओर से जारी की जाती है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ये खुलासे इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट 2018 के बाद कोरोना के दौर को पूरा एनालिसिस करके सामने रखी गई है। इस रिपोर्ट में आपके बच्चों को लेकर काफी कुछ अपडेट है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट से शुरू करते हैं। ASER की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद बच्चों की ट्यूशन की आदत बढ़ गई है। 1 से 8वीं कक्षा तक के 71.7% स्कूली बच्चे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते हैं। निजी कोचिंग के ट्रेंड में 5% का इजाफा हुआ है। बिहार में निजी कोचिंग का ट्रेंड तो सबसे ज्यादा है। कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने के बाद जब स्कूल खुले हैं तो स्कूल में बच्चों का एडमिशन भी अच्छी खासी तादाद में हुआ है और इसमें भी प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। इस रिपोर्ट में एक और अच्छी बात सामने आई है, वो ये है कि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर काफी कुछ अच्छा हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि स्कूल ना जाने वाले लड़कियों की संख्या में काफी कमी आई है, यानी अब लड़कियों के स्कूल जाने की संख्या सीधे तौर पर कुछ बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर के ग्रामीण स्कूलों में कक्षा 3 के छात्रों की पढ़ने की क्षमता में खतरनाक गिरावट भी देखी गई है। केवल 20.5% छात्र ही कक्षा 2 की किताबों को पढ़ पा रहे हैं। 2018 की रिपोर्ट की तुलना में बच्चों की पढ़ने की क्षमता में 7% अंकों की गिरावट हुई है। तो कुल मिलाकर अगर इस रिपोर्ट का सार निकालें तो कुछ चीजों को छोड़ दें तो काफी चीजों में सुधार हुआ है, लेकिन हाँ, ये सुधार अभी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो अभी एजुकेशन सेक्टर में काफी काम करने की जरूरत है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि शहर में तो सुविधाएं आसानी से पहुंच जाती हैं, लेकिन गांवों तक ये सुविधाओं को पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। नवभारत टाइम्स के लिए सुप्रिया सिंह की रिपोर्ट।